Hello students, today we are going to read our chapter 5th of social studies book. I hope you have understood the previous chapters well. Okay, let's begin with our chapter 5th. The name of our chapter is The Northern Plains. Okay, so the northern fertile plains lie to the south of the Himalayan ranges. They extend from Punjab in the west to Assam in the east. So now from the map, I would like to tell you everyone about the directions as we have discussed in the previous chapter. This is the map of India and the directions are north, south, east and west. I'll just mark it for you. North, this is south, this is east and this is west. Okay, so currently on this chapter, we are focusing on the north region, which is this one, the northern plains. Okay, so the northern plains lie to the south of Himalayan ranges. So the Himalayan ranges, they are upper to the northern fertile plains. Okay, they extend from Punjab in the west to Assam in the east. So northern plains start from Punjab and ends to the east, to the Assam. Okay, the east-west extent of these plains is about 2400 kilometers and they are 150 to 300 kilometers wide. These are some figures which you'll have to learn thoroughly. They cover the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and parts of Assam. So jo northern plains hai, वो कौन सा पार्ट कवर करते हैं हमारे हमारे नॉर्दर्न रीजन के. द एरियाज आर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम व्हिच इज इन द ईस्ट. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फ्लैट लेवल लैंड ऑन द अर्थ. सो दीज आर फ्लैट लेवल लैंड. यहाँ पे कुछ हिल्स नहीं होती या ना ही यहाँ पे कुछ ऐसा स्लोप टाइप का नहीं होता है, बट दीज आर फ्लैट, दीज आर प्लेन लैंड. दे आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड. दीज प्लेन्स आर ड्रेन बाय द रिवर्स इन दस गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. सो यहाँ पे क्या होता है, दीज आर द प्लेन लैंड्स. और ये प्लेन लैंड्स क्या होती है, क्या बेनिफिट करती है, दीज लैंड्स आर वेरी फर्टाइल इन नेचर. फर्टाइल मतलब यहाँ पे ये जो लैंड है दैट इज़ वेरी फर्टाइल, दैट मीन्स बहुत ही उपजाऊ है. तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर दैट मीन्स खेती बाड़ी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और वो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा. और यहाँ पे इन रिवर्स, यहाँ पे इनका रिवर्स का किसका फ्लो रहता है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसी रिवर्स का यहाँ पे रेगुलर फ्लो रहता है, वाटर फ्लो रहता है. मोस्ट ऑफ दीज रिवर राइज इन हिमालयाज. दीज रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालयाज. सो ये जो जो रिवर्स हमने पढ़ी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हिमालय से. ये आप सभी को पता है, हिमालय से ही सारी रिवर्स नीचे की तरफ फ्लो होती है और लैंड पे आती है. As they flow into the plains, they carry large quantities of rocks and salt and sand called sediments from the mountains. तो जैसे पानी का बहाव आता है नीचे की तरफ, तो पानी के बहाव के साथ साथ वाटर अपने साथ में क्या लेके आती है, रॉक्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स अपने साथ लेके आती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत बेनिफिट करता है. As they flow into the plains, they carry large quantities of rocks and sand called sediments. So sediments मतलब जो rocks and जो quantities जो पानी के साथ flow हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे sediments. A basin is an area watered by a river and its tributaries. तो basin क्या हुआ, एक area जो कि water से covered है और उस वाटर के स्ट्रीम से, फ्लो से कवर्ड है. ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन अ बिग रिवर. और ट्रिब्यूटरीज क्या हो गई, एक छोटी सी रिवर जो कि बड़ी रिवर के साथ कनेक्ट होती है. तो मतलब आप देखते होंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स है लेकिन उनकी जो छोटे छोटे नैरो लेन्स निकलती है, उन नैरो लेन्स को बोलते हैं, नैरो मीन्स
पतली पतली छोटी छोटी धाराएं जो उनकी निकल जाती है आसपास की रीजन्स में, तो उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. सो व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन अ बिग रिवर. ओके, और बेसिन क्या बताया मैंने? एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो वो जो एरिया है जहाँ पे ट्रिब्यूटरीज भी है और वो जो ट्रिब्यूटरीज जिन बड़ी रिवर्स से कनेक्ट होती है वो एरिया भी है, तो उसको हम बोलेंगे बेसिन. द नॉर्दर्न प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर बेसिन्स. तो नॉर्दर्न एरिया में 3 रिवर बेसिन्स कौन से हैं? सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन. सो वी शैल रीड अबाउट दीज इन डिटेल नाउ. सो द सतलुज बेसिन, द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया थ्रू द शिकपी ला पास इन हिमाचल प्रदेश. सो तिब्बत इज प्रेजेंटेड इन चाइना राइट नाउ, करंटली तिब्बत इज इन चाइना. सो ये जो सतलुज बेसिन है इसकी ये रिवर फ्लो कहाँ से होती है? ये फ्लो स्टार्ट होता है तिब्बत से. ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तिब्बत से. और ये कौन से स्टेट्स में फ्लो होती है? द रिवर सतलुज फ्लोज इन स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. ओके, और जो इंडिया में जहाँ पे आती है दैट इज नोन एज थ्रू द शिपकी ला पास. हिमाचल प्रदेश में है ये शिपकी ला पास, वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है एंड देन इट फ्लोज टू पंजाब एंड हरियाणा. इट देन फ्लोज साउथ वेस्टवर्ड्स एंड जॉइन द इंडस इन पाकिस्तान which eventually drains into the Arabian Sea. Bees is Satluj's main tributary. और ये river eventually जाती कहाँ पे है? Arabian Sea में. Arabian Sea आपको location पता होनी चाहिए, Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean की. अगर आपको इन थ्री सीज की locations पता होगी ढंग से तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन सी origin कहाँ से हो रही है और कहाँ पे वो वापस उसका end हो रहा है. ओके, तो ये जो सतलुज बेसिन है ये हिमाचल से ओरिजिनेट होती है और जाती है पंजाब हरियाणा में. पंजाब हरियाणा से ये आगे रिवर जाती है पाकिस्तान में. पाकिस्तान में कहाँ पे? इट जॉइंस द इंडस इन पाकिस्तान. ओके, द भाखड़ा नागल डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलुज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इरीगेशन फैसिलिटीज टू द सराउंडिंग एरियाज. सो दीज रिवर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज रिवर्स कैरी मैनी मिनरल्स विद इन themselves when they flow. Okay, so in minerals से क्या होता है? They also happen to generate electricity. They also generates electricity. तो यहाँ पे जो रिवर्स है उन पे डैम्स बनाया जाता है. तो उन डैम्स से क्या होता है? आपने देखा होगा डैम्स, कभी मूवीज में देखा होगा, या अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आप अभी इस पिक्चर में देखिए कैसा है डैम. तो डैम से क्या होता है कि वाटर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने से उस एरिया का डेवलपमेंट होता है. उस एरिया में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो घरों में तो बिजली आती ही आती है, प्लस आप उसके साथ बहुत अपना कारोबार बढ़ा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के होने के कारण. तो डैम से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है लोगों को और वाटर इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है. जो खेती में काम आता है इरिगेशन फैसिलिटीज वो वहाँ पे इस डैम के थ्रू लोगों को प्रोवाइड होती है. द इंदिरा गांधी कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम सतलुज प्रोवाइड्स वाटर टू द ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान. तो ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है इसकी ट्रिब्यूटरीज हमारे राजस्थान तक भी है. हमारे राजस्थान में भी इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू ही वाटर प्रोवाइड होता है और हमें जो पानी मिल रहा है वो हमको इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू ही मिल रहा है. तो ये जो पानी हमको मिल रहा है वो है कहाँ से आया है? वो कहाँ से मिल रहा है हमको? सतलुज बेसिन से. तो हमको पानी मिल रहा है सतलुज बेसिन से. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सतलुज बेसिन. नाउ आई विल रीड द गंगा बेसिन. द रिवर गंगा इज सेक्रेट टू द हिंदूज. सेक्रेट यानी इट इज़ वेरी होली, बहुत ही मान्य है हिंदूज को. आपको आपने सभी ने सुना होगा गंगा रिवर के बारे में. सभी हरिद्वार भी कभी गए होंगे या हरिद्वार के बारे में सुना होगा जहाँ पे रिवर गंगा का फ्लो रहता है. तो रिवर गंगा इज सेक्रेट टू हिंदूज. इट हैज़ इट्स सोर्सेज इन गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज एंड फ्लोज इन अ साउथ ईस्ट कर्व बिफोर ड्रेनिंग इन टू बे ऑफ बंगाल.
तो जो रिवर गंगा है, ये रिवर गंगा का ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर. और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे? हिमालयाज में. ओके और ये रिवर फ्लो होती है साउथ ईस्ट कर्व में, फ्लो होती है साउथ ईस्ट कर्व में, फ्लो होके इवेंचुअली कहाँ पे ख़त्म होती है? कहाँ पे, कौन सी सी में मिल जाती है? इन द बे ऑफ बंगाल. तो गंगा बेसिन मिलती कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में. सतलुज बेसिन कहाँ पे मिलती है? इन द अरेबियन सी में, गंगा बे ऑफ बंगाल में. ओके फ्लोइंग स्विफ्टली डाउन द माउंटेन्स द गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार. तो माउंटेन्स से फ्लो होती होती जो प्लेन लैंड जहाँ पे आता है गंगा का, वो है हरिद्वार. इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. तो गंगा रिवर कहाँ कहाँ फ्लो होती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. द गंगा बेसिन इज सो फर्टाइल दैट इट इज नोन एज द फूड बोल ऑफ इंडिया. तो फूड बोल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? कि गंगा बेसिन इतनी फर्टाइल है कि उनके जो वाटर से जो हमको सोर्सेज मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, उससे हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया है, जो हमारी जो खेती है, वो बहुत ही इफ़िशियंट एंड बहुत बेनिफिशियल रहती है हमको. तो इसलिए हमारे पास फूड प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, इसलिए गंगा बेसिन को बोला गया फूड बोल ऑफ इंडिया. द गंगा बेसिन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज होम टू मिलियंस ऑफ पीपल. तो जो गंगा बेसिन है वो सबसे ज़्यादा, ये तीनों बेसिन में से सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है? गंगा बेसिन. और बहुत से लोगों को घर दिया है गंगा बेसिन ने. मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, आगरा, कानपुर, अलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी एंड कोलकाता आर लोकेटेड हियर. तो ये सब जो सिटीज हैं, ये इन सिटीज़ में कौन से रिवर का फ्लो है? गंगा रिवर का. और ये गंगा बेसिन रीजन का ही पार्ट है. ऑल अलॉन्ग विद द रिवर ब्रह्मपुत्र द गंगा फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. तो रिवर जो गंगा रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलके एक बड़ा डेल्टा फॉर्म करता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा में से है. तो ये जो डेल्टा है इसको क्या बोलेंगे? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. बिफोर इट एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो ये बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ये डेल्टा फॉर्म करता है. अब जो ब्रह्मपुत्र रिवर हम जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे ना, उसकी लोकेशन आपको पता चलेगी कहाँ है, तो उससे आपको समझ आ पाएगा कि गंगा का फ्लो कैसे जाता है, जिससे एक डेल्टा फॉर्म हो जाता है. उस डेल्टा के बाद गंगा मिल जाती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में. तो बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले गंगा का डेल्टा फॉर्म होता है और उस डेल्टा को हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. It splits into numerous distributaries over here. The main ones being Padma and Jamuna of the Ganga and the Brahmaputra respectively. तो जो अलग अलग स्प्लिट हो जाना मतलब बिखर जाना. तो गंगा रिवर जो फ्लो हो रही है वो अपने आप में अलग अलग स्प्लिट हो गई, मतलब बिखर गई. और उसके जो दो मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज है उनको बोला जाता है पद्मा एंड जमुना, जो कि किसका है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का मिला के है. ओके नाउ द ब्रह्मपुत्र बेसिन. द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड शांगपो. द टी हियर इज साइलेंट. तो जो हमने पहले सतलुज पढ़ी थी, सतलुज भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्र रिवर भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है. और तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोला जाता है? शांगपो. द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट मैंने आपको बताया था कौन सा है. ईस्टर्न पार्ट ये है और तिब्बत का रीजन भी ये है, ये वाला तिब्बत का रीजन है. ओके ये यहाँ पे ये देखो, ये तिब्बत यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये तिब्बत का रीजन है. यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है और यहीं से ओरिजिनेट होती है. सतलुज भी यहीं से ओरिजिनेट होके ये यहाँ पे राजस्थान तक आ जाती है सतलुज, लेकिन ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न पार्ट में रहती है. ओके तो ये ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन, मतलब वहां पे फ्लो है.
द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. तो ये सारे जो स्टेट्स हैं ना यहाँ पे, ये सारे ईस्टर्न स्टेट्स ही बोले जाते हैं इंडिया में. ये सारे स्टेट्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में सिचुएटेड है और इन्हीं पार्ट्स में कौन सी रिवर फ्लो होती है? ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है. और ये कौन सा बेसिन फॉर्म करते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड्स. तो जो ये वाला जो बेसिन है, ये सारी जो जगह का जो बेसिन है, ये यहाँ पे इन जगह पे सबसे ज्यादा रेनफॉल पाई जाती है. सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? इन एरियाज में, इन रीजन्स में ही होती है. द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर्स जॉइन टू फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कॉल्ड द सुंदरबंस. और इन और जो हमने अभी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो पढ़ा था, जो कि रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती है, उसको किस नाम से भी जाना जाता है? सुंदरबंस. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. जो अभी हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा, जिनकी थ्री रिवर बेसिन्स थे, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. तो इन नॉर्दर्न प्लेन्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, वी शैल डिस्कस अबाउट दैट नाउ. दीज प्लेन्स आर मेड अप ऑफ द एलुवियल सॉइल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. दिस सॉइल इज वेरी सॉफ्ट एंड फर्टाइल. तो ये जो प्लेन्स है ना, ये जो लैंड है, इन लैंड पे क्योंकि हमेशा वाटर फ्लो रहा है, यहाँ पे पानी का आवागमन रहता है, तो यहाँ पे सॉइल बहुत ही डिफरेंट है. अब जैसे हमारे राजस्थान में कोई रिवर फ्लो नहीं करती है, तो हमारे यहाँ पे सॉइल बहुत ही डिफरेंट है. हमारे यहाँ पे सॉइल ड्राई है, एकदम सूखी मिट्टी है. लेकिन ये जो एरियाज है, यहाँ पे चूंकि पानी का फ्लो हमेशा बना रहता है, तो यहाँ पे सॉइल कैसी है? फर्टाइल है. और जो कि पानी का फ्लो है, उसमें क्या एलुवियल सॉइल आती है. तो यहाँ पे पानी के फ्लो के कारण यहाँ पे क्या एलुवियल सॉइल फॉर्म हो जाती है. ओके, तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल के होने के कारण क्या रहता है? सॉइल बहुत ही नरम और फर्टाइल होती है. द लैंड ऑफ दिस प्लेन इज सॉफ्ट, लेवल एंड फ्लैट. देयरफॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनल्स कैन बी डग फॉर इरिगेशन. तो यहाँ पे क्योंकि प्लेन लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, सॉफ्ट है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड कैनाल्स. यानी कैनाल्स तो होती है एक, आप बड़ी सी ऐसे कैनाल निकालते हो, उसको आपको मैं बाद में कभी फोटोज में आपको बताऊंगी कैनाल्स क्या होती है. बट आप वेल एंड ट्यूब वेल्स समझ सकते हैं. वेल्स यानी जो हम लोग कुआ जिसको बोलते हैं, और ट्यूबवेल्स यानी हम अंदर से खुदाई करा के उसके पाइपलाइन निकालते हैं अलग से, उसको हम ट्यूबवेल्स बोलते हैं. तो ये इस टाइप की सॉइल होने के कारण यहाँ पे लैंड फर्टाइल होता है. तो यहाँ पे ये चीज़ें इजीली खोदी जा सकती है, इजीली डग की जा सकती है. दीज प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. द लैंड बींग इवन, द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज ईजी. तो ये लैंड क्योंकि इतना फर्टाइल है, इस कारण यहाँ पे क्या हो सकता है? इकोनॉमिक कंडीशंस, यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो यहाँ पे जनरेट हो सकता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गया? जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा. फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा? यहाँ पे मार्केट में वो फूड प्रोडक्शन सेल हो पाएगा तो क्या? पैसों का आवागमन होगा, लेन देन होगा. तो उससे क्या होगा? लोगों में पैसों का फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ इनकम बनेगा. ऐसे क्या होता है? ऐसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहाँ पे प्रॉपर कंपनीज भी आ सकती है, जो कि इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही हो, जो कि एग्रीकल्चर को लेके वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे नई नई टेक्नोलॉजीज ले आई हो. तो ये सब क्या डेवलपमेंट करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है. तो इसलिए ये लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर ये लैंड बहुत ही प्लेन है, यानी इनमें कोई हिल्स नहीं है या कोई स्लोप्स नहीं है, प्लेन लैंड्स हैं. तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजीली हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब जो लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रह रहे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे. पंजाब लाइज इन द सतलुज बेसिन. सबसे पहले हमने पढ़ा था पंजाब हरियाणा में ही सतलुज रिवर का फ्लो है. इट शेयर्स इट्स कैपिटल चंडीगढ़ विथ हरियाणा. पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़, वो किसके साथ शेयर होती है? हरियाणा के साथ. द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू पंजाब आर सतलुज, रावी एंड बीस. तो ये जो थ्री मेन रिवर्स है
ये पंजाब में फ्लो होती है. द सॉइल ऑफ दिस स्टेट इज़ वेरी फर्टाइल एंड इरीगेशन इज डन मेनली थ्रू कैनाल्स. और जो कैनाल्स होती है उनके थ्रू ही इरीगेशन किया जाता है इन लैंड पे. इनफैक्ट पंजाब इज नोन एज द वीट बोल ऑफ इंडिया. द वीट बोल ऑफ इंडिया मतलब सबसे ज़्यादा गेहूँ पंजाब में ही मिलता है. वीट बोल यानी वीट जो हमको मिलता है वो मेनली पंजाब से हमको प्राप्त होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया. लार्जेस्ट सिंगल प्रोड्यूसर मतलब जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है वो है पंजाब. मैनी फार्मर्स हैव डेयरी फार्म्स वेयर काउज एंड बफेलोज आर रेड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. और यहाँ पे पंजाब में बहुत ही काओ एंड बफेलोज को भी रखा जाता है. उनसे क्या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, दही, घी और जो भी दूध के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ये सब हमको मिलते हैं. अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो बीन सेटअप इन पंजाब मेनली इन बिग सिटीज लाइक लुधियाना, अमृतसर, जालंधर एक्सेट्रा. तो लुधियाना, जालंधर, अमृतसर इन ऐसी जगह पे क्या है इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई है. लुधियाना इज फेमस फॉर इट्स हॉजरी प्रोडक्ट्स एंड वुलन गारमेंट्स. तो हॉजरी प्रोडक्ट्स और वुलन गारमेंट्स लुधियाना के बहुत ही फेमस है. द हरमंदिर साहिब इन अमृतसर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हरमंदिर साहिब अमृतसर में जिसको हम किस नाम से जानते हैं, द गोल्डन टेम्पल. आप सभी ने गोल्डन टेम्पल के बारे में सुना होगा जो कि अमृतसर में सिचुएटेड है और वो क्या है वर्ल्ड वाइड फेमस है. वाइल पंजाबी एंड हिंदी आर दी मेन लैंग्वेज इन पंजाब, हिंदी एंड हरियाणवी आर स्पोकन इन हरियाणा. तो पंजाब में दो लैंग्वेजेस कौन सी फेमस है, पंजाबी और हिंदी. और हरियाणा में कौन सी है, हिंदी एंड हरियाणवी. गुरुपुरब्स, बैसाखी, होली एंड दिवाली आर द मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन पंजाब. भांगड़ा एंड गिद्दा आर द पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ पंजाब. तो जो पंजाब के पॉपुलर फेस्टिवल्स कौन से हैं, गुरुपुरब, बैसाखी, होली एंड दिवाली. और वहाँ पे कौन सा डांस पॉपुलर है, भांगड़ा, गिद्दा. ओके, नाउ दिल्ली. दिल्ली इज बाउंडेड बाय फोर स्टेट्स नेमली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. तो जो दिल्ली है वो चारों तरफ से किससे, कौन चार स्टेट से घिरी हुई है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ दिल्ली. और इन चारों का सब पे दिल्ली पे एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है. दिल्ली इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी वेयर पीपल आर ओपन टू एम्ब्रेसिंग न्यू आइडियाज एंड लाइफस्टाइल. तो अब हम सबने पढ़ा है दिल्ली इज अ मेट्रो सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हो गया, वेरी एडवांस, मॉडर्न, पॉपुलर सिटी. और यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट है. दे आर वेरी ओपन माइंडेड एंड दे हैव वेरी न्यू आइडियाज दी मॉडर्न लाइफस्टाइल. यहाँ पे दिल्ली की लाइफस्टाइल ऐसी है. द रिवर यमुना विच फ्लोज थ्रू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली प्रोवाइड्स वाटर टू इट. तो वाटर दिल्ली में कहाँ से आता है, रिवर यमुना से, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली में फ्लो होती है. पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव इन दिल्ली. बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली में लोग रहते हैं फॉर एजुकेशन, फॉर जॉब, फॉर ट्रेड एंड एक्सेट्रा. हिंदी एंड पंजाबी आर मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस. और दिल्ली में मोस्टली कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हिंदी एंड पंजाबी. मॉल कल्चर इन दिल्ली हैज़ चेंज द वे पीपल यूज टू शॉप अर्लियर. तो यहाँ पे दिल्ली में क्या है, मॉल्स है, बड़े बड़े मॉल्स. और इन मॉल्स में क्या होता है, शॉप्स होती है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे मॉल के अंदर ही मिल जाती है आपको. एवरीथिंग, सब कुछ आपको मॉल के अंदर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी शॉप्स पे नहीं जाना पड़ता है. तो यहाँ के लोगों के लिए शॉपिंग करना ईजियर हो गया है और पहले से, क्योंकि यहाँ पे क्या, मॉल्स में ही सब कुछ मिल जाता है. दिल्ली इज़ द सेंटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. और यहाँ पे दिल्ली क्या है, सेंटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है और दिल्ली ऐसी लोकेशन में सिचुएटेड है जहाँ पे ये सब चीज़ें इजीली हो पाती है. इसलिए वहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अच्छे से सिचुएटेड है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपरली वर्क कर पाती है. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक कुतुब मीनार, जंतर मंतर, इंडिया गेट, बहाई टेम्पल एक्सेट्रा आर वर्थ विजिटिंग. ये सब मॉन्यूमेंट्स कहाँ हैं, दिल्ली में सिचुएटेड है और यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन कंट्री विथ 175 मिलियन इनहैबिटेंट्स. तो हमारा जो कंट्री का सबसे ज़्यादा भरा हुआ जो स्टेट है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश.
सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं. द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज इज हिंदी एंड उर्दू हैज़ द स्टेटस ऑफ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज. तो उत्तर प्रदेश में जो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो है हिंदी, लेकिन जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू. फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दिस रीजन एज वेल. यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग भी फार्मिंग करते हैं. वीट, राइस, ऑयल सीड्स एंड पल्सेज आर ग्रोन इन प्लेंटी इन उत्तर प्रदेश. द स्टेट ग्रोज द लार्जेस्ट क्वान्टिटी ऑफ शुगर केन. तो इन इस स्टेट्स में ये सब जो वीट हो गया, राइस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, पल्सेज है यानी दाल, ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बहुत भारी मात्रा में फ्लो हुई जाती है. और जो शुगर केन है यानी गन्ना, हम लोग गर्मी में गन्ने का रस पीते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुगर केन. तो शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में. तो जो हम गन्ना हम लोग यूज़ करते हैं वो हमको बहुत सा हमको उत्तर प्रदेश से भी आता है. लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ. अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश आर मेरठ, आगरा, कानपुर एंड इलाहाबाद. ये कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है उत्तर प्रदेश की. द ताजमहल ऑफ आगरा इज़ वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. ताजमहल के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो कि किसने बनाया था, शाहजहां ने. और ताजमहल विश्व के 7 wonders मतलब 7 अजूबे उनमें से एक कौन सा है, ताजमहल. और ताजमहल कहाँ है, आगरा में, विच इज सिचुएटेड इन इंडिया. सो इट्स अ वेरी प्राउड थिंग. बिहार. टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द स्टेट ऑफ बिहार. और उत्तर प्रदेश के ईस्ट में, उत्तर प्रदेश के ईस्ट में क्या है, बिहार. बिहार इज वेरी रिच इन इट्स कल्चर. द लैंड हैज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन इट्स ट्रेडिशन एंड कल्चर. तो यहाँ के जो लोग हैं वो कौन से धर्म को भी मानते हैं, जैनिज्म को भी मानते हैं और बुद्धिज्म को भी मानते हैं, उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स को भी मानते हैं. और बिहार की कैपिटल है पटना. पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार. भोजपुरी, मैथिली, मगाई आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर. तो यहाँ पे थ्री लैंग्वेजेस जो कि मेनली यूज होती है वो है भोजपुरी, मैथिली एंड मगाई. द किंगडम्स दैट रूल्ड ओवर बिहार हैव लेफ्ट अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द पीपल, कल्चर एंड फेस्टिवल्स ऑफ बिहार. तो जो यहाँ पे लोग, जो पुराने लोग जो यहाँ पे रूल करते थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ही इम्पैक्टफुल बिहेवियर रख रहा है उनका, और यहाँ पे बहुत ही इम्प्रेशन छोड़ के गए अपना जो कल्चर का था, जो फेस्टिवल का था. तो इसलिए लोग वहाँ पे अभी भी वो सब चीज़ें फॉलो करते हैं. छठ पूजा, दिवाली, होली एंड दशहरा आर दी मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन बिहार. तो बिहार में जो मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं वो कौन से हैं, छठ पूजा, दिवाली, होली, दशहरा एक्सेट्रा. द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर वीट, राइस, मेज एंड जूट. तो जो मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन बिहार आर वीट, राइस, मेज एंड जूट. नाउ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इज इन ईस्ट इंडिया. ईस्ट इंडिया, अभी मैंने आपको लोकेशन बताई थी ईस्ट इंडिया, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो रहता है. सो वहाँ पे कौन, वेस्ट बंगाल सिचुएटेड है. एंड द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता. दिस स्टेट इज नोन फॉर द फर्टाइल प्लेन्स मेड बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ये अभी हमने पढ़ा था, रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इनका फ्लो रहता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. एंड राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द स्टेट. और इस स्टेट में मेन क्रॉप्स कौन सी है, राइस एंड जूट. द पीपल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा विद ग्रेट एक्साइटमेंट. यहाँ पे सबसे ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ किस कौन सा फेस्टिवल यूज सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज दुर्गा पूजा. द मेन लैंग्वेज इज बंगाली. और यहाँ पे बोली कौन सी लैंग्वेज आती है, बंगाली. राइस, फिश आर द मेन डिशेज. स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश आर ईटन. रविंद्र संगीत इज वेरी पॉपुलर हियर. तो यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है बंगाली, और खाने में राइस एंड फिश का सेवन ज़्यादा किया जाता है. और स्वीट्स में आप सभी ने सुना होगा रसगुल्ला, जो बंगाली रसगुल्ला को रसगुल्ला बोलते हैं, आपने सुना होगा ना कभी. तो यहाँ पे क्या, रसगुल्ला इनका फेमस स्वीट है. और संदेश भी यहाँ पे फेमस स्वीट्स में आया जाता है. रविंद्र संगीत यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका संगीत, जो रविंद्र, उसको बोला जाता है रविंद्र संगीत, यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है. वहाँ के लोगों को वहाँ वो सुनना अच्छा लगता है.
नाउ असम, असम इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल टी गार्डन्स. टी गार्डन्स जो कि असम में है बहुत ही ब्यूटिफुल है, और असम को वहाँ पे बहुत फेमस भी टी गार्डन के कारण ही माना जाता है. रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स फॉर सिल्क इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द स्टेट. दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम. असम की कैपिटल है दिसपुर. और असम में क्या, सिल्क वॉर्म, जो सिल्क आपने फैब्रिक होता है, एक सिल्क सुना होगा आपके घर में, बड़ों से पूछना उनको सिल्क के बारे में भी पता होगा अगर आपने नहीं सुना तो वो सिल्क जो मेनली फॉर्म कहाँ पे होता है, असम में. और सिल्क के जो जो भी चीज़ें फॉर्म होती है, जो भी बनती है, उसकी वजह से असम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बनता है. द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स विद इन देयर वेराइटी इन ट्रेडिशन कल्चर ड्रेसेज एंड एग्जॉटिक वे ऑफ लाइफ. तो जो ट्राइब्स होती है, ट्राइब्स हम सबसे अलग होती है. ट्राइब्स मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह जो एक अलग कल्चर को मानते हैं, जो अलग रिलीजन को मानते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल हमसे बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो असम में ऐसे बहुत से ट्राइब्स मिलेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलेंगे जिनका वे ऑफ लाइफ, ट्रेडिशन, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग सब कुछ डिफरेंट है. द मेन ऑक्यूपेशन आर एग्रीकल्चर एंड बैम्बू हैंडीक्राफ्ट. यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या हो गया, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट. और हैंडीक्राफ्ट भी कैसा, बैम्बू एंड हैंडीक्राफ्ट. द मेन लैंग्वेजेस आर असमीज, बंगाली एंड बोडो. ये थ्री लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती है. राइस इज द स्टेपल फूड. स्टेपल फूड मतलब जो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे खाना खाया जाता है, दैट इज राइस. राइस को ही वहाँ पे मेनली यूज किया जाता है. असम ऑल्सो हैज मैनी डांसेस लाइक बिहू डांस, बगरुम्बा, सत्रिया एंड अदर डांस फॉर्म्स रिच इन हेरिटेज एंड डिफाइंस द कल्चर ऑफ द स्टेट. तो ये डांसेस वहाँ का कल्चर डिफाइन करते हैं, वहाँ का कल्चर डिस्क्राइब करते हैं. नाउ त्रिपुरा. त्रिपुरा, अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा. असम की जैसे दिसपुर थी, वैसे ही अगरतला किसकी कैपिटल है, त्रिपुरा की. त्रिपुरा encloses a rich culture heritage of music, fine arts, performing arts and handicrafts. तो त्रिपुरा में क्या कल्चर किसका है, म्यूजिक का है, आर्ट्स का है, हैंडीक्राफ्ट्स का है और फाइन आर्ट्स का है. बींग डोमिनेटेड बाय द बंगालीज, द स्टेट्स प्रिवेलेंट कल्चर इज बंगाली. और वहाँ पे कल्चर मोस्टली कहाँ से इन्फ्लुएंस है, मतलब किससे इन्फ्लुएंस है, बंगाल से. क्योंकि यहाँ पे लोग मोस्टली डोमिनेटेड बाय बंगालीज, मतलब लोग यहाँ पे बंगाल के बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बंगाल का कल्चर भी प्रिवेलिंग है. बंगाली एंड कोबोरोक आर टू मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर. तो जो दो लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है वो कौन सी है, बंगाली एंड कोबोरोक. वुमेन वेयर रिनाई, अ वेरी लॉन्ग एंड ब्रॉड पीस ऑफ क्लोथ. तो जो रिनाई है वो क्या है, बहुत लॉन्ग एंड ब्रॉड पीस ऑफ क्लोथ है, जो कि क्या, वुमेन अपने अराउंड, मतलब जैसे साड़ी को कैसे पहना जाता है वैसे अपने अराउंड ओढ़ती है, और उसको क्या बोला जाता है, रिनाई. ड्रेप्ड अराउंड द वेस्ट. ड्रेप्ड अराउंड द वेस्ट मतलब अपने वेस्ट की ओर, उसकी ओर ड्रेप किया जाता है. सो नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. वी हैव द एक्सरसाइज विच आई विल सेंड यू इन द PDF एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आई शैल गेट यू बैक ऑन दैट. थैंक यू.